नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। क्या बीजेपी का मंडला का किला भेद पाएगी कांग्रेस? सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते के सामने क्या है चुनौती? लोकसभा चुनाव की तारीखों उम्मीदवारों के नाम का ऐलान अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन इस वक्त मध्य प्रदेश की हॉट सीटों के सियासी गणित पर चर्चा तेज है। मोदी सरकार के मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते की मंडला सीट इन दोनों राजनीति के फोकस में है। आदिवासियों के लिए आरक्षित मंडला सीट पर हालांकि 1996 से बीजेपी का ही वर्चस्व है, लेकिन बीच में एक चुनाव में उसे हार का भी सामना करना पड़ा था। मध्य प्रदेश में लोकसभा की कुल 29 सीटें हैं। लोकसभा चुनाव के लिए मुख्य लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है। एकमात्र खजुराहो सीट पर बीजेपी को कांग्रेस की बजाय समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार से दो दो हाथ करना होगा। ये सीट इंडिया गठबंधन से समझौते के तहत कांग्रेस समाजवादी पार्टी को दे दी है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 29 में से 28 सीटों पर जीत हासिल की थी। अब अगर बात मंडला संसदीय सीट की बात की जाए तो ये अपने बाघों के लिए पूरी दुनिया के पर्यटकों में प्रसिद्ध है। आदिवासी वोटर्स की भूमिका अहम। मंडला का कान्हा टाइगर रिजर्व बाघ देखने वालों के लिए पसंदीदा नेशनल पार्क है। इसी तरह मंडला जिले के निवास का फॉसिल्स पार्क भी पूरी दुनिया में फेमस है। आदिवासी गौड़ राजाओं के रामनगर के किले के साथ नर्मदा नदी के किनारे बसे मंडला जिले के साल और सागौन के जंगल पूरे इलाके की ऑक्सीजन सप्लाई का मुख्य सोर्स है। राजनीति के हिसाब से देखें तो आदिवासियों के लिए आरक्षित मध्य प्रदेश की मंडला संसदीय सीट में 50% से अधिक मतदाता आदिवासी वर्ग से हैं। आदिवासी मतदाता ही मंडला सीट पर हार जीत में अहम भूमिका निभाते हैं। तीन नेताओं के इर्द गिर्द घूमती मंगला की सियासत। मंडला लोकसभा सीट तीन जिलों मंडला, डिंडोरी और सिवनी जिले में आती है। दरअसल मंडला डिंडोरी जिले की सभी 5 विधानसभा सीटों में महिला मतदाताओं की संख्या पुरुषों के मुकाबले 12,000 से ज्यादा है। बाकी विधानसभा सीटों में महिला मतदाताओं की संख्या पुरुषों के मुकाबले 13,858 ही कम है। मंडला संसदीय क्षेत्र में शामिल कुल 8 विधानसभा सीटों में से 6 विधानसभा सीटें डिंडोरी, शेपुरा, मंडला निवास, बिछिया और लखनादौन एसटी वर्ग के लिए आरक्षित हैं। राजनीतिक जानकार बताते हैं कि स्वतंत्रता के बाद हुए लोकसभा चुनावों में मंडला सीट की राजनीति तीन नेताओं कांग्रेस के मगरू गनू उइके और मोहनलाल जिकराम और बीजेपी के फग्गन सिंह कुलस्ते के इर्द गिर्द ही घूमती रही है। मंडला में कब कौन जीता? साल 1952 से 1971 तक के चुनावों से लगातार कांग्रेस के मंगरू गनू उइके लोकसभा में मंडला संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं। मंडला संसदीय सीट पर पहली बार प्रवर्तन इमरजेंसी के बाद हुए चुनाव में दिखा। साल 1977 में जनता पार्टी के श्यामलाल धुर्वे ने भारतीय लोकदल के टिकट पर जीत दर्ज करके कांग्रेस का किला पहली बार ध्वस्त किया था। इसके बाद साल 1980 से 1991 तक के चुनाव में कांग्रेस ने फिर मंडला का किला फतेह करके वापसी की। 1980 से कांग्रेस के मोहनलाल जिकराम 4 बार लगातार सांसद निर्वाचित हुए। इसके बाद से बीजेपी ने एक बार फिर मंडला सीट पर अपनी पकड़ बनाई। साल 1996 से अब तक बीजेपी के आदिवासी नेता और केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते 6 बार मंडला सीट से जीत दर्ज कर चुके हैं। हालांकि साल 2009 के लोकसभा चुनाव में उन्हें कांग्रेस के उम्मीदवार बसोरी सिंह मसरान से हार का सामना करना पड़ा था। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में मोदी लहर के चलते फग्गन सिंह कुलस्ते एक बार फिर मंडला जिले के सांसद बन गए। इसके बाद से फग्गन सिंह कुलस्ते मोदी मैजिक के सहारे इस सीट को बीजेपी का मजबूत गढ़ बनाए हुए हैं। हालांकि हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में निवास सीट से फग्गन सिंह कुलस्ते की हार से बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। इसके बाद चर्चा हो रही है कि पार्टी इस बार मंडला सीट पर अपना उम्मीदवार बदल सकती है। वहीं कांग्रेस भी आदिवासियों के बीच बढ़ती पेट के चलते मंडला सीट पर जीत की उम्मीद लगाए बैठी है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज। अपने सपनों का घर बना रहे हैं? एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सुहागी बाईपास। शिफ्टिंग की टेंशन? अब नो टेंशन। शिफ्ट गो पैकर्स एंड मूवर्स है ना, जो आपके घर के पूरे सामान के साथ आपकी बाइक व कार को सुरक्षित एवं जिम्मेदारी के साथ आपके घर तक पहुंचाता है। तो आप देख इस बात की आज ही संपर्क करें 8821000717।